नमस्कार साथियों, आप देखना शुरू कर दिए हैं देसी अमानत न्यूज। अभी हम मौजूद है महसी प्रखंड के अंतर्गत भिलाई पीएसएस में, और आपको पता ही होगा कि पिछले 48 घंटों से बिजली नहीं है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि आप इस गेट के पास मैं पहुंचा हूं, और इसके अंदर भी मैं जाऊंगा, आपको पूरी जानकारी प्राप्त करूंगा कि आखिर 48 घंटों पर लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, आखिर क्या समस्या है। ये समस्या हमेशा भिलाई पीएसएस में बनी रहती है, लेकिन अभी तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं होता है। बिहार के ऊर्जा मंत्री श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी से भी मैं कहूंगा कि यहां पर सहरसा जिला के अंतर्गत महसी प्रखंड में बिजली विभाग का इतना बड़ा लापरवाही है कि यहां पर 48 घंटे तक बिजली नहीं रहती है। लेकिन यहां पर कोई भी, जो जब से यहां पर बिजली आई है तब से ये समस्या बनी रहती है, लेकिन अभी तक कोई समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। बार बार कहा जाता है कि अब समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन हल्की सी हवा भी चलती है तो यहाँ पर 48 घंटे तक बिजली काट दिया जाता है, जिसके वजह से आमजनों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस भीषण गर्मी में आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये 35-36 डिग्री सेल्सियस का जो ये गर्मी भीषण है, जिसके वजह से आमजनों में कितना परेशानी का सामना करना पड़ता है। देख लीजिए, ये भिलाई पीएसएस का मैं आपको दिखा रहा हूँ, और मैं आपको ये भी दिखाऊँगा कि यहाँ पर जो स्टाफ है उनका क्या जानकारी प्राप्त होती है, मैं उनसे भी आपको मिलवाऊंगा। तो आपको ले चलते हैं ऑफिस में, और वहां से भी आपको जानकारी प्राप्त करेंगे कि आखिर 48 घंटे से जो बिजली नहीं है, किस कारण बिजली लेनी नहीं है, वो जानकारी मैं आपको प्राप्त करूंगा। तो आपको मैं बता दूं कि यहां पर जो स्टाफ थे उनका कहना है कि बिजली 3 बजे तक आने की संभावना है, लेकिन आप देखने वाली बात होगी कि 3 बजे तक बिजली आती है नहीं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बिहार के ऊर्जा मंत्री श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी के पास ये वीडियो पहुंचे। और यहाँ पर जो समस्या बनी रहती है, हल्की सी हवा भी चलती है तो यहाँ पर 24 घंटा तक लाइट काट दिया जाता है, जिसके वजह से आमजनों पब्लिक को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल पर आप नए हैं तो लाल बटन को दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें।